नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। जब हम ये बोलते हैं कि एक गैस का मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, ऐसा बोला जाता है ना, हम काफी बार बोलते हैं गैस का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। आप मुझे ये बताएं कि जब हम ये बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, एक्चुअल में क्या हुआ अंदर गैस के? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, कितने लोग एग्री करते हैं? जब हम ये बोलते हैं गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो क्या चीज चेंज हुई गैस की? इसने बोला काइनेटिक इंक्रीज हुई, उसने बोला पोटेंशियल भी चेंज हुई, दो और कुछ? क्या क्या आप लोग एग्री करते हैं? सही है, ऐसा ही है क्या? आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? आप केमिस्ट्री में बहुत बार यूज करते होंगे टर्म कि गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो फिर क्या मतलब? आपने ये नहीं पूछा ऐसा क्या बढ़ गया अंदर? बस अंदर की एनर्जी गर्मी पड़ गई, जैसे हम गर्म चीजें खा लेते हैं गर्मी पड़ गई? नहीं, ऐसा नहीं। क्या हो गया फिर? ये ओवरऑल बढ़ गया। ओके, बिल्कुल सही। एक्चुअल में काइनेटिक एंड पोटेंशियल में चेंज आता है। पोटेंशियल को हम लेते नहीं है अपनी गैसेस में, हम काइनेटिक को लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी वाज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, उसमें आरएमएस वेलोसिटी आती है। तो केटीजी कहती है कि जब कोई टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल तेज तेज मूव करते हैं, उनकी आरएमएस बढ़ती है। और जब आरएमएस बढ़ती है सभी गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब मैं लाखों मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक, ये थोड़ा बोलूंगा कि मैंने गैस को एनर्जी दी उसके लाखों मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ना ना, हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो इंटरनल एनर्जी समथिंग विच इज रिलेटेड टू एनर्जीज, तो अंदर की एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई। मैं आपको एक और छोटे तरीके से समझाता हूं। हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी किया था, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस का ये फॉर्मूला था, चेक करो, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था, टी अगर इंक्रीज होगा तो यू इंक्रीज होगा, और साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंडेंट था, और डिग्री ऑफ फ्रीडम समथिंग रिलेटेड टू एनर्जीज, कितनी एनर्जीज कोई मॉलिक्यूल पोजेस कर सकता है उसी उतनी ही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो कहीं ना कहीं समथिंग रिलेटेड टू एनर्जीज है। तो गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है, मोनोटॉमिक है डायटॉमिक है वो तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर फर्दर काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो जब हम बोलते हैं कि गैस की एनर्जी बढ़ गई तो एक्चुअल में ठीक बोल रहे हो, काइनेटिक के साथ पोटेंशियल भी चेंज होती है। फिर ये पोटेंशियल बीच में कैसे आई वो मैंने आपको पढ़ाई नहीं, मैंने आपको सिर्फ काइनेटिक पढ़ाई है। हमने पूरी केटीजी कर ली, केटीजी में क्या इन्वॉल्व था? काइनेटिक एनर्जी ही इन्वॉल्व थी सारी, मॉलिक्यूल्स की और पर मोल की, पर मॉलिक्यूल की। पोटेंशियल क्यों नहीं ली अभी बताता हूं। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी के अंदर, इफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, अगर मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, उस गैस को क्या बोलते हैं? कौन सी गैस है? परफेक्ट या आइडियल गैस है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में रियलिटी में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, उनमें आपसी अट्रैक्शन होती है। तो अगर हम इन अट्रैक्शन को भी कंसिडर करें, उस गैस को क्या बोलते हैं? रियल गैस है, ठीक है, रियल गैस है। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस पोजेस इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी कंसिडर करनी पड़ती है। अब सोचें, बाय नेचर अगर ये गैस है, हम लोग नहीं है, हम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बाय नेचर मैं और ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर आपने क्या किया, गैस को हीट दी और टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक्सपेंशन कर दी। अब हमारी नेचर है अट्रैक्शन की, आप हमारी अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्कडन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या भर जाएगी? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आप मुझे दूर कर रहे हैं एक्सपेंशन करके, आप जैसी हीट देना बंद करेंगे गैस को या काम करना बंद करेंगे, मैं फिर से अट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो यानी कि वो जो वर्क डन आपने किया वो स्टोर हो गया हमारे अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप हम दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, मॉलिक्यूल पास आना चाहते हैं, आप उन्हें जबरदस्ती दूर कर रहे हैं, उनमें पोटेंशियल जी इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर जो पास आना चाहते हैं और आप उन्हें और पास ला रहे हैं, कंप्रेस कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। दूर करेंगे इंक्रीज हो गई, पास करेंगे डिक्रीज हो गई। तो यानी कि एक बात तो पक्की है कि जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर जब आप कंप्रेशन या एक्सपेंशन करते हैं तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अब वो कह रहा है कि इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, बताया मैंने, अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया और गैस में एक्सपेंशन हो गई, वर्क विल बी परफॉर्म बाय द गैस अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन।
तो भाई हम चाहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो, पर आप क्या कर रहे हो, बाहर से वर्क डन कर रहे हो एक्सपेंशन को और हमें दूर कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर क्या होगा, अगर आप गैस को कंप्रेस करोगे, हम तो चाहते हैं एक दूसरे के पास आना और आप कंप्रेशन के थ्रू हमें और पास ला रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी उल्टा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कहानी तो तब काम आए जब मैं कंसिडर करूं कि हमारे बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, पर हम अपनी फिजिक्स में ये मानते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी निग्लिजिबल है, हम इसको कंसिडर नहीं करते। तो हम किस गैस पे काम करते हैं, हम इसमें परफेक्ट गैस पे काम करते हैं। परफेक्ट गैस में पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर नहीं किया जाता, ओनली काइनेटिक ही कंसिडर की जाती है। तो इसलिए हम रियल गैस पे काम नहीं करते, क्योंकि रियल गैस में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल होती है, लेकिन परफेक्ट गैस में ओनली काइनेटिक होती है। तो जिसने आंसर दिया था अभी कि जब मैं ये बोलता हूँ कि गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, और उसने बोला था कि सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो ये मान रहा है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, गैस कौन सी है, परफेक्ट गैस है। पर जिसने दोनों आंसर दिया वो ये मान रहा है कि वो रियल गैस है। तो ये कहानी है एनर्जी की। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ा दिया ठीक है, ऐसा होता है, आइडिया दे दिया, हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, फिजिक्स वाले, टेम्परेचर बढ़ गया एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर कम हो गया यू कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया यू बढ़ गया, टेम्परेचर कम हो गया यू कम हो गया, अंदर की डिटेल क्या हुआ बस हो गया डन, ऐसा कुछ होता होगा ठीक। तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस नहीं आते, हमें टेम्परेचर के ऊपर और डी यू की वैल्यू निकालने को आती है ठीक। पर मेरा बताना बनता है कि एक्चुअल में हुआ क्या, ठीक है यहाँ तक।